खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। इस टाइम पे भाई सरड़ा गांव में मौजूद हाँ, जिसकी डाठरत कवें हैं, या कवां डाठरत में मौजूद हाँ, जिसकी सरड़ा कवें हैं। दोनों चीज़ अपनी अपनी जगह सही हैं। हमारे साथ में कार्तिक है, उम्र मात्र 17 साल, अचीवमेंट लेफ्टिनेंट। तो किस तरीके से कुछ सफर रहा है, क्योंकि सुन में आवे है कि भाई छोटे छोटे बालक भी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ले हैं, और बहुत सारे जितने भी युवा हैं जो चढ़ती उम्र में होती नहीं हुए मेरा 17 साल की उम्र में भी कुछ बनया जा सका है, नहीं बनया जा सका है, मुकाम पर किस तरीके से पहुंचा है, के कुछ रहा है, वो सारी जर्नी आप जानने की कोशिश करें। सबसे तो पहला बताइए भाई साहब। धन्यवाद जी। अपने दर्शकों ने बता किस तरीके से इस मुकाम पर पहुंचा, इस खातर करया के था, क्वालिफिकेशन के रही, कौन से टेस्ट क्लियर करने पड़े, और के कुछ रहे इसका में। तो सबसे तो पहले इसका रिटर्न एग्जाम होता है, 12th, जो भी 12th क्लास में अपीयरिंग होते हैं या फिर जो 12th पास कर सकते हैं, 16.5 से 18.5 तक उसके बीच में उम्र होनी चाहिए। तो मैं जब 12th क्लास में था तो मैं गुरुकुल में पढ़ता था, वहीं हमारी कोचिंग भी होती थी, इसी के एनडीए का पेपर होता है, यूपीएससी इसका पेपर कंडक्ट करता है। सबसे पहले इसका साल में 2 बार पेपर होता है हर 6 महीने में। तो सितंबर में पेपर दिया था, 3 सितंबर को पेपर था। उस पेपर में भी 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर मैथ का होता है, दूसरा पेपर जीएटी का होता है। 900 नंबर का जो पेपर होता है ये, उसमें मैथ में अलग क्वालिफिकेशन होती है और बाकी अलग। तो फिर इसका रिजल्ट 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। तो फिर उसका रिजल्ट आ गया था 15-20 दिन में, तो वो पेपर क्लियर हो गया था। फिर जो जो बच्चे पेपर क्लियर करते हैं उनको लिए एसएसबी की कॉल आती है। हर जगह इंडिया में अलग अलग सेंटर है, आर्मी के लिए अलग, एयरफोर्स के लिए अलग और नेवी के लिए अलग। तो जिसने जो भी अपना ऑप्शन भरा होता है उस हिसाब से कॉल आती है एसएसबी के लिए। तो ये तकरीबन दिसंबर जनवरी चलता है ये प्रोसेस, दिसंबर और जनवरी में कॉल आती है लगभग। तो फिर मेरी कॉल आई थी बैंगलोर के लिए, तो 2 तारीख से 6 तारीख तक हमारे वहाँ पर इंटरव्यू होता है एसएसबी। उसमें 2 फेज होते हैं, पहले दिन होता है स्क्रीनिंग फेज, जिसमें लगभग जितने बच्चे टोटल रिपोर्ट करते हैं उसमें से 70% को पहले दिन आउट कर देते हैं, फिर उनमें से 30% को रखते हैं, फिर अगले 4 दिन उनकी टेस्टिंग होती है, फिर 5th डे रिजल्ट आउट होता है 29 में से कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। फिर उनका जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उनका वहीं पर मेडिकल स्टार्ट हो जाता है अगले दिन से। ये मेडिकल तकरीबन 7-8 दिन, कहीं सेंटर के हिसाब से 10-12 दिन चलता है मतलब। उसके बाद जब जो मेडिकल क्लियर कर लेते हैं उसके बाद जो एग्जाम हुआ था सितंबर में, यूपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट किया था, और जो एसएसबी होते हैं दोनों 900-900 नंबर के होते हैं, इनकी कंबाइंड लिस्ट आती है जिसे मेरिट लिस्ट, अभी ये 2 अप्रैल को आई थी। इसमें फिर रैंक के हिसाब से आते हैं दोनों के नंबर मिला करके। तो और इसकी इस बार 395 सीट है, तो हर साल इतनी वैरी करती रहती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। तो फिर ये 395 सीट के लिए इस लिस्ट के मेरिट लिस्ट के हिसाब से सिलेक्शन होता है उसका। तो अपने मेरिट लिस्ट में कौन सा स्थान था, कौन सी रैंक के कुछ प्राप्त करी है अपना? मेरी रैंक 99 आई है, जिसमें जो मेरिट लिस्ट आई है अभी ऑल इंडिया की, इसमें 99 रैंक आई है। ओके। तो बहुत सारे यहाँ के दिमाग में, क्योंकि अपना है चाहे आर्मी खातर बात ज़्यादा करे जा रहे हैं, तो इसमें भी फिजिकल का कुछ हिस्सा नहीं? एक्चुअली इसमें फिजिकल का कोई वो नहीं होता। ये आर्मी में जैसे 2 टाइप से सिलेक्शन होते हैं, एक तो अग्निवीर स्कीम जो भी आई है वो होती है जो हमारे जवान होते हैं उनके लिए, और एक जो ये स्कीम है इसमें ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है। तो इसमें कोई फिजिकल क्राइटेरिया नहीं होता, इसमें नॉर्मल पेपर होता है। उसके बाद जो एसएसबी होते हैं उसमें थोड़ा बहुत फिजिकल का होता है कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत, थोड़ी इतना ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करती वो चीज़, थोड़ी बहुत चीज़ जो नॉर्मल रूटीन में होता है बस उतना मैटर करता है इसमें फिजिकल। यानी कि इसमें पढ़ाई का लेना देना ज़्यादा है, ना कि फिजिकल फिटनेस का ज़्यादा? हाँ, मतलब इसमें जैसे एक नॉर्मल बंदा होता ना कि सामान्य, हाँ सामान्य, बस उतना ही रिक्वायरमेंट होती है इसमें। इस मुकाम तक पहुंचने खातर कुछ लोग आपके बीच में न्यू भी आए हैं कि भाई सिफारिश चाहिएगी या कुछ और चाहिएगा, कुछ बतानी है? जब आपने उनसे न्यू कंसल्ट करी होगी भाई मैं न्यू तैयारी लग रहा हूँ, कारण कुछ लोग न्यू भी आए होंगे, मैम तेरा काम करवा देंगे, इतने पीछे दे दे कुछ ही था। एक्चुअली जी इसमें ये लोकल पेपरों में ज़्यादा होता है, ये तो जैसे ऑल इंडिया एग्जाम इसमें यूपीएससी कंडक्ट करते हैं, इसमें ऐसा कुछ मतलब फे ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो बकानी है तो इसमें भी आ जाए हैं, बकान वाले तो ताजमहल नहीं बेच गए थे, ऐसा तो होता रहता है जी। तो जो से इस लाइन में जाना चाह रहे हैं तो उनकी कुछ अलग तो साइड हो है कि भाई आर्ट साइड है, कॉमर्स साइड है या साइंस साइड है, कुछ ऐसा रवे है या फिर आर्ट वाले बच्चे भी इसका में? इसमें जी कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, बस रिक्वायरमेंट ये कि जैसे कोई आर्ट का स्टूडेंट है या मेडिकल स्टूडेंट है तो उसमें जो एग्जाम होता है उसमें प्लस वन प्लस टू का मैथमेटिक्स आता है, तो फिर वो वहाँ पे कर नहीं पाएंगे, अदरवाइज फॉर्म कोई भी फिलअप कर सकता है। और जो मैथ ले रहा है वो इसका में ज्यादा मेरे हिसाब से ठीक फिट बैठेगा? हाँ जी, जिसके पास मैथ है उसका ज्यादा चांस होता है।
जो या जॉब हो वो कितने साल की हुआ है और इसकी जो एज का क्राइटेरिया कितने साल था, कितने साल का बीच हुआ है? एक्चुअली इसमें जैसे अब 4 साल की ट्रेनिंग होगी, 3 साल कंबाइंड ट्रेनिंग होती है एनडीए खड़गवासला में, उसके बाद 1 साल अगर आर्मी भरी है तो अपनी देहरादून ट्रेनिंग होती है अपनी आर्मी मतलब मिलिट्री अकेडमी में, और एयरफोर्स है तो एयरफोर्स अकेडमी में, ऐसे नेवल अकेडमी में, तो फिर उसके 1 साल की ट्रेनिंग में होती है। उसके बाद हम कमीशन हो जाते हैं एज ए लेफ्टिनेंट, उसमें फ्लाइंग ऑफिसर जो हमारे एयरफोर्स में होते हैं उसमें सब लेफ्टिनेंट नेवी में, तो फिर उसके बाद से 20 साल की कंपलसरी सर्विस होती है, उसके बाद अपनी चॉइस होती है। इस लाइन में जानते पहला आप किसी की सुजेस्ट कर था कि यह लाइन चूज कर ले, क्योंकि बहुत सारे जो कर मेरी फैमिली है वो थोड़ा सा कृषि बैकग्राउंड का है, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन आपका परिवार में कौन कौन था जो आप तक सलाह दे करता कि बेटे इस लाइन में तैयारी कर, ये चीज़ें कराएगा तो आगे चल कर यह अचीवमेंट ले इसके? तो एक्चुअली जी जैसे मैं 6ठी क्लास में सही बाहर पढ़ता हूँ हॉस्टल में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ही, तो वैसे हमारा नॉर्मल आर्मी में तो इंटरेस्ट था ही शुरू से, तो फिर जैसे जैसे ग्रो अप किए तो स्कूल में ही एक स्कूल में हमारी फैसिलिटी है जो एनडीए की तैयारी कराते हैं, तो वैसे स्कूल में जैसे 9th-10th में हो तो पता लगा कि इसमें ऐसे ऐसे होता है, तो धीरे धीरे पता लगा। उसके बारे में मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई भी है, वो भी इसके बारे में उसको अच्छी खासी नॉलेज था, तो उसने मेरा बताया, साथ ही तैयारी में भी काफ़ी हेल्प की, आप थोड़ी अपने दोस्तों से मिलवाया जो भी उसमें पहले सेलेक्ट हो चुके थे, उन्होंने भी काफ़ी गाइड किया, तो फिर ऐसे धीरे करके जैसे जब 11th क्लास में हुआ तो स्पेशल कोचिंग स्टार्ट होती है वहाँ पे, और उसके साथ मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा और मेरी मम्मी हमेशा से ही शुरू से लेकर लास्ट तक गाइड करते रहे हैं, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो अपना फैमिली बैकग्राउंड है वो किस तरह का रहा है, जॉब वाला रहा है या किस तरह का रहा है? पापा एक टीचर है, अभी जॉब कर, अभी अडाना जॉब करते हैं नॉर्मल, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। अपना मदर, मदर हाउस वाइफ है। और अपने जो पछ है दादा हो रहे हैं या पछली पिड्डी रही हैं, उनमें जॉब थी या नहीं थी? जी एग्रीकल्चर ही है पूरा। अच्छा, पूरा एग्रीकल्चर ही है, यानी कि ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा जिस दिन कहा इसका भाई पिड्डी दर पिड्डी हम जॉब में, हाँ या फिर इस तरह था, ऐसा कोई वो नहीं है। तो फिर घर वाले का किसा रिस्पॉन्स रहा है, क्योंकि देखे एक सामान्य परिवार ने या अचीवमेंट को छोटी अचीवमेंट नहीं होती, क्योंकि अपना माँ बाप ने न्यू रह जावा मेरा बेटा बेटी लाग जे नहीं तो बस गंगा ना आ जावा। बस ये वही, आप जैसे पता लगा तो पेरेंट्स काफी खुश हैं, बस पेरेंट्स खुश है तो हम भी खुश हैं, बस पेरेंट्स बहुत खुश हैं सारे, क्योंकि हमारे गांव में से और कोई है नहीं, तो गांव वाले भी सारे खुश हैं, तो पेरेंट्स खुद बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। बस है सपना यही था या फिर इसके अलावा भी कुछ है कि भाई आगे पढ़कर है या फिर और कुछ बड़ा मुकाम? सपना तो शुरुआत से ही जब बचपन से ये था कि आर्मी में जाना है, ऐसा कोई ये नहीं था कि एनडीए में जाना है या कहाँ पे जाना है, बस शुरुआत से ये था कि आर्मी में जाना है, फिर जैसे जैसे ग्रो अप हुए तो पता लगा कि ये बेटर ऑप्शन है इसमें आर्मी में जाने के लिए, अब बस आगे जाके अकेडमी में अच्छे से तैयारी करके जितने ऊपर तक जा सकते हैं हाई पोस्ट तक वहाँ तक जाएंगे। कितनी सारी भर्तियों में ट्राई करा है या फिर पहली या दूसरी में काम बढ़ गया? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जी, और पहली बार में ही जी, इसमें भगवान की दया से इसमें हो गया। तो फोन पे कितना समय बिताया करता? फोन तो जी जैसे हमें वहाँ पे स्कूल में कोई फोन हमें अलाउड नहीं है, तो 2 महीने के लिए छुट्टी आते थे हम नॉर्मल, तो थोड़ा बहुत कब देख लेते थे फोन, क्योंकि आपकी 17 साल उम्र है, 17 साल की उम्र में आदमी या बच्चा कहेंगे आप पबजी पे बड़ा ध्यान दे हुआ है या फिर और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं इंस्टाग्राम है फेसबुक है यूट्यूब है उनको ऊपर टाइम वेस्ट करे हैं, तो कुछ रोल अदा करे हैं ये बच्चा का जीवन में? नहीं जी, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे लिए, क्योंकि जैसे जब मैं 9th क्लास में था तब लॉकडाउन का पीरियड था, तो तब बहुत बुरा हाल हो गया था, लेकिन तब भी मेरे पापा ने मेरी मम्मी ने मेरे को मोटिवेट किया कि ये पढ़ाई का ही टाइम है, मतलब क्योंकि यही टाइम है 9th, 10th, 11th, 12th यही सब क्लास होती है जिसमें बच्चे का करियर बनता है, और अगर इसमें 3-4 साल बच्चे पढ़ ले तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो बस यही था कि पेरेंट्स भी टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे, साथ में टीचर्स बड़े भाई सबका तो साथ था, बाकी फिर मैंने भी खूब की 11th और 12th में खास कर दी। कितना समय लग गया है इसकी प्रॉपर तैयारी में और अचीवमेंट में? प्रॉपर तैयारी तो जी 2 साल लगे हैं 11th और 12th में, 11th से स्टार्टिंग से जो हमारा रिटर्न एग्जाम होता है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी साथ साथ 11th के, तो फिर 11th के लगभग 1.5 साल तो इसका पेपर में लगा, क्योंकि सितंबर में पेपर होता है 12th में, फिर पेपर हो जाने के बाद 3 महीने लगभग इसकी तैयारी की है, जो SSB होती है इंटरव्यू 5 दिन की होती है, बैंगलोर थी जी मेरी SSB जैसे बताया, फिर उसके बाद जब हमारी SSB होगी तो लगभग जब SSB हो जाती है तो फिर 90% काम हो ही जाता है, फिर SSB होने के बाद अब मेरिट लिस्ट आई है 2 अप्रैल को, तो उसमें नाम आ गया बढ़िया रैंक का। जॉब कितने साल की है? जॉब तो जी जब तक 20 साल तो है ही कम से कम, उसके बाद देखेंगे।
तो इसका मतलब क्या है कि जवानी है, मैं तो रिटायरमेंट ही ले इसका, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब तू लग गया 20 साल पाछा, कोई ज्यादा उम्र नहीं रही है, कोई न्यू को नहीं है कि भाई ज्यादा है, तो 37 साल की उम्र शायद उस टाइम पे होगी आपकी, तो 40 के आसपास उम्र हो जाएगी। हाँ, 40 के आसपास, 40 कोई ज्यादा थोड़ी है। हाँ जी, तो आपके आसपास में 40 साल गया अगर आप देखो तो कितने हेल्दी कितने यंग दिखे हैं वो सारे। हाँ जी, तो फिर क्या दिक्कत है, समस्या थोड़ी है? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आइयो जी एक बार, आप थोड़ी सी परली साइड बैठ जाओ, आइयो। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम है जी अनिल कौशिक जी। इनके के लागू हो आप? फादर हूँ जी मैं इनका। तो किस तरह तय शुरुआत रही है इस थी सिखाण में आपकी? ऐसा जी, मैंने शुरू में ही, जैसे कि मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैंने बच्चे, दोनों बच्चे हैं मेरे, इनको आइडेंटिफाई किया भाई इनके अंदर एक टैलेंट है, भाई इनको एक एनवायरनमेंट देना चाहिए। तो फिर मैंने इन दोनों बच्चों को गुरुकुल में डाल दिया था शुरू से ही। मेरी तो गवर्नमेंट जॉब तो अभी लगी है 2-3 साल पहले। पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में था। फिर मैंने किसी का एक लेक्चर सुना था वीडियो में कि जो भी आप अपने बच्चों पर इन्वेस्टमेंट कर दो अच्छी एजुकेशन पे, तो आपको कुछ भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, यानी कि रिटर्न अपना आप अपने आप आ जाएगा। तो फिर मैंने भी यही सोचा था। तो फिर मैंने इन दोनों बच्चों को टेस्ट दिलवाया गुरुकुल में कुरुक्षेत्र, एक अच्छा संस्थान है, बहुत ही अच्छा। यदि आप उस संस्थान में अपने बच्चों को डालोगे और बच्चे को जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा सीखने के लिए, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और वहाँ के जो आचार्य जी देवर जी, काफ़ी अच्छा उन्होंने डेवलप किया अपने गुरुकुल को, बिना किसी सिफारिश के बच्चों को लेते हैं, मेरिट बेस पर लेते हैं, काफ़ी अच्छी फैकल्टी रखते हैं। जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का सानिध्य में नहीं रह पाते, या फिर उनके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते कि उनकी कुछ शिक्षा दे सकें कि भाई किस तरह तक आगे बढ़ना है, किस तरह नहीं करना, तो उनके लिए क्या कुछ है? वो कहाँ तक इन चीज़ों को कलेक्ट करें कि भाई कौन सी साइड बढ़िया है, बच्चा में टैलेंट के है, किस साइड में डालना चाहिए उसकी? इनके लिए तो जैसे आप, जैसे जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, एक तो उनका उत्तरदायित्व है, जैसे अब आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो इससे भी बहुत बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा, पेरेंट्स को कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छे लोगों से संपर्क में आए। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देते, जैसे आजकल आपने सुना फॉरन में चल रहा है, इधर उधर चल रहा है, पैसे की ओर के पीछे लगे हुए लोग, लेकिन अच्छी शिक्षा दिला दें तो अपने इंडिया में बहुत कुछ है। अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे सरडा गांव बहुत गामा तक आगे है बाहर जाने में, तो रोज उरा बम पटाखे भी बजते होंगे, डीजे भी बजते होंगे कि आज फिर एक गया है, आज दो गए हैं, आज तीन गए हैं, तो सबसे ज्यादा बड़ा अब तो युवे है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो ये तो आपने इस गांव में नहीं, हर गांव में ही चल रहा है, लोगों का एक आपने पता, जिस लाइन में चल देते हैं उसी लाइन में चल देते हैं। लेकिन मेरा तो यही है कि अपने इंडिया में रह के बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाओ और अच्छा करवाओ, तो यहाँ पे बहुत कुछ है। अब हम अपने बच्चों को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, पढ़ाते हैं, तो इसीलिए तो करवाते हैं कि बुढ़ापे में अपने यहाँ काम आए। बिल्कुल। लेकिन कहीं आपने भी एग्जाम्पल सुने होंगे, अमेरिका में है, माँ बाप के पीछे कोई केयर करने वाला नहीं है, तो फिर क्या फायदा उस पैसे का जी? तो दो नंबर में जाने की ओर ज्यादा लग रही है एक नंबर के मुकाबले। बस यही है ना, बच्चों की एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं है। यदि एजुकेशन की तरफ ध्यान हो तो यहाँ पे बहुत कुछ है, और बाहर जाना चाहे तो आप आईलेट्स करके जा सकते हैं बाहर, यानी कि बाहर का रास्ता एक नंबर में चूज करे तो ज्यादा बेहतर है दो नंबर के मुकाबले। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये आपकी बात सही है जी, क्योंकि आप खुद देखो 40-50 लाख रुपये लगा कर ना दो नंबर में जाओगे, डोंकी में अगर डेथ हो जाए या पहुंचने के बाद में डेथ हो जाए तो उतने रुपये उसकी उल्टी डेड बॉडी थी मंगवाने में लग गए हैं, रिस्क रहे हो अलग तय है। 40-50 लाख कोई थोड़े नहीं होते हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार अपना जमीन बेच कर तो कुइयां कलेक्ट कर लो नहीं, सारी उम्र में इतने रुपये जोड़ नहीं सकता किसी तरह से भी। गांव में ऐसे छोरे जो ताजे ताजे न्यू सुन में आवा है, फलाना छोरा गाबरू हो गया, और यह बात सुनते गाबरू हो गया, गला न्यू सुन में लेफ्टिनेंट भी लग गया, तो किस तरह की खुशी हो? देखो जी, ये गाँव डाठरत के लिए काफी गर्व का विषय है, और हमारे गाँव डाठरत में पहली बार सिलेक्शन हुई है। अच्छा, हाँ जी, तो इसका मतलब छोरा गणेश आराम था फिर यू? हाँ, ये बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट था, कई बार मैं उसको गुरुकुल में कुछ क्षेत्र मिल के भी आया हूँ, और वो कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, तो इसके तो साबित कर दिए। हाँ बिल्कुल जी, के कुछ शिक्षा दोगे, के कुछ संदेश दोगे समाज में? संदेश तो मैं समाज के अंदर देना चाहता हूँ, हमारे जो युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, तो इस बच्चे को देख कर मतलब आदर्श मानकर इसकी तरह शिक्षा लेनी चाहिए। तो भाई
छोटी सी उम्र में एक बड़ा मुकाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन, पूरा गांव का और जितना भी गुआंड हैं सारे का नाम रोशन करने का काम करे और प्राउड फील हो गया है। जो जो इससे संबंध रखे हैं, चाहे रिश्तेदारी में है, चाहे मित्रता में है, चाहे खून का रिश्ता है, चाहे दूर का रिश्ता है, तो मैं यूँ कहूँगा कि मेरा दोस्त लग गया, मेरा भाई लग गया, मेरा बेटा लग गया। तो इस तरह के बड़का की समाज ने कहीं जरूरत रही जावा है, मोटिवेशन के लिए भी और समाज ने आगे बढ़ाने खातर भी। आपने के कुछ लगे है क्या, मेहनत का दम पे आदमी अपनी मनचाही मंजिल पर पहुंच सके है या फिर भाग उसमें ज्यादा रोल अदा करे है? अपनी आपकी बात पे एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपने भी बताया है, अगर कोई दूर का रिश्ता हो और काफी अच्छे उस पे स्थान प्राप्त कर जाए, उसको दूर का रिश्तेदार भी नजदीक का रिश्तेदार बना लेता है। अगर मान लो कोई काफी क्लोज हो और गलत दिशा में, उसको कोई नहीं पना देगा। इसलिए मैं संदेश देना चाहूंगा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। और जैसे हमारे गाँव में बाहर जाने का प्रचलन है, बच्चा आईलेट्स करके जाए या एक स्किल लेके जाए, वैसे इधर उधर मजदूरी करने कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, वो तो भाई एक नहीं सोच लो मॉडर्न भैया हो जाएगा, उड़ा जाएगा भी। तो जिस तरह का भैया अपना अड़ाम है, जीरी लाम है, और रहता जाएगा ना, उड़ा गोभी का भी तोड़ेंगे, कुछ और करेंगे, लेटरिंग वगैरह साफ करेंगे, लेकिन आप में स्किल है, आप नाई बना का काम सीख कर जाओ, इलेक्ट्रीशियन का सीख कर जाओ, प्लम्बर का सीख कर जाओ, ड्राइविंग का सीख कर जाओ, चाहे आप मकान बनाने का सीख कर जाओ, लकड़ी का सीख कर जाओ, किसी भी तरह का आप सीख कर जाओ, तो सीख कर ही जाना चाहिए। वही चीज आपने उड़ा जाएगा ना कि मेहर दिवस है, नहीं तो तारा कुछ नहीं हो सकता। हुआ भी था जी, एक हमारे मतलब जान उसमें गया था सर्कल में बंदा, वो मतलब सेवंथ पास करके गया था, उसको इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी, अमेरिका के अंदर चला गया, उसको जो वहाँ का स्टाफ था उन्होंने उसको बोला प्लीज सीट डाउन द चेयर। अब उसको पता नहीं सीट डाउन क्या है, चेयर क्या है, वो देखता रहा उसकी तरफ, तो उसका क्या फायदा वहाँ पे जाके, उसको प्रॉपर इंग्लिश आनी चाहिए, जिस देश में जाते हैं उस वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। नहीं देख, जिसका वही बात, सबसे बड़ी मूर्खता ही है जिसका एक बालक है वो भी विदेश में जाओ, यह सबसे बड़ी मूर्खता ही है। फिलहाल अपना टॉपिक यू नहीं था, लेकिन बेरोजगारी ने देख के या फिर सोच लियो एक शॉर्टकट ने देख के ना अपने इस टॉपिक पे थोड़े से डाइवर्ट हुए थे अपन। मैंने अपना कार्तिक वाला टॉपिक था जो छोरा ने मुकाम हासिल कराया है, वीडियो ने शेयर कर दियो, अपने बड़का ते वीडियो जरूर दिखाइयो और अपने रिश्तेदार में भी इसी जरूर भेजियो कि भाई देख लियो 17 साल का छोरा लेफ्टिनेंट लग गया है, ताकि उनकी थोड़ी बहुत शर्म आवे। और मोबाइल जब मैं पकड़ रहे हो तो यह वीडियो उनका गढ़ है, देखो देख लो थोड़े घने शर्म आती हो तो छोरा ने देख लियो यू 17 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट गया है। वीडियो ने शेयर कर दियो, मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।